Good morning, guys. Hey guys, welcome to our channel. कैसे हैं आप सब? I hope सभी अच्छे होंगे. और आज है सैटरडे और आज जो है मैंने कल रात को ही मेहंदी भिगो दी थी और अब मैं मेहंदी लगा रही हूँ. मतलब मॉर्निंग के जो मेरे काम ऑलमोस्ट हो गए हैं, सिर्फ थोड़े ही बहुत काम पेंडिंग है. वैसे तो मुझे जब भी मेहंदी लगानी होती है तो मैं मॉर्निंग में मतलब काम स्टार्ट करने के पहले लगा देती हूँ ताकि काम भी होते रहते हैं और उसी टाइम में मेहंदी जो है वो भी सिर में लग जाती है. लेकिन अभी मौसम जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यानी कि मतलब कभी बारिश कभी धूप, इस तरह से डबल मौसम है ना. तो ऐसे मौसम में थोड़ा सा सर्दी जुकाम और थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा लेट लगाती हूँ ताकि थोड़ी बहुत धूप आ जाए. और धूप नहीं भी हो ना तब भी मौसम जो है वो थोड़ा इतना ज़्यादा ठंडा नहीं रहेगा, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया था मेहंदी लगाने में. तो बस अभी फटाफट मेहंदी लगा दूंगी और उसके बाद में जो पेंडिंग काम है वो मैं करूँगी. गाइस, सिर में मेहंदी जो है मैंने लगा दी है और अब मैं करूँगी अपने रूटीन के काम. तो मेहंदी लगा दी है मैंने और सबसे पहले मैं किचन में आई हूँ और ये मलाई है जो मैंने अंदर फ्रीज के अंदर रखी थी ना वो मैंने निकाल दी है, क्योंकि शाम को मुझे इसका घी निकालना है. और जब भी इसका घी निकालना होता है तब शाम को निकालना होता है घी. मैं मॉर्निंग में जब उठती हूँ ना तो उठते में ही बाहर निकाल देती हूँ कंटेनर को, ताकि ये सब नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए मलाई, और इससे घी है ना काफ़ी अच्छा बनता है. और एक बार मैं आपको किचन का पूरा व्यू बता देती हूँ कि पूरा किचन जो है वो गंदा हो रहा है. और कोई नई बात नहीं है, सभी के किचन का यही हाल होता है. और क्लीनिंग का वीडियो आपके साथ में मैं आज शेयर नहीं करूंगी क्योंकि बहुत ही डिटेल में मैंने वीडियो ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप देख लेना, आपको जरूर पसंद आएगा और थोड़ा सा आपको मोटिवेशन भी मिलेगा. और ये रोटी रात की पड़ी हुई थी तो वो मैं कबूतर को डाल दूंगी. और आप सोच रहे होंगे कि रोटी कबूतर को कौन डालता है, तो हाँ, क्योंकि मैं यहाँ मुंबई में रहती हूँ ना तो यहाँ पर गाय तो होती नहीं है और यहाँ के जो डॉग्स है वो रोटी खाते नहीं है, तो फिर रोटी जो है वो वेस्ट क्यों करेंगे. और यहाँ पर वैसे भी कबूतर को यदि इस तरह से हम छोटे छोटे से पीस करके डाल देते हैं ना तो वो बहुत ही अच्छे से खाते हैं, तो फेंकने के बजाय जो है अगर हम किसी को देंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. तो बस इस तरह से मैं है ना बाहर जो बालकनी है वहाँ पे शेड्स लगे वहाँ पे डाल देती हूँ, तो कबूतर जो है वो खा लेते हैं. तो बस काम करते करते ही 1 से 1.5 घंटा हो गया था और मैंने शॉवर ले लिया है. और अब कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे ना कि आप मॉर्निंग में आपका जो फेस रूटीन जो है वो क्या होता है, तो बस मैं आपके साथ में आज वही शेयर कर रही हूँ. तो सबसे पहले फेस के ऊपर मैं ये मैंने एक्चुअली नया प्रोडक्ट लिया था, लॉरियल का सीरम था ये लिया था. तो क्योंकि एक्चुअली मेरे फेस के ऊपर वैसे तो पिगमेंटेशन था नहीं, लेकिन अभी कुछ टाइम से चिक्स के दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा सा पिगमेंटेशन है, तो ये मैंने प्रोडक्ट नया लिया था. और ये एक बार मैं यूज़ करूँगी, उसके बाद में मैं आपको उसका रिव्यू दूँगी कि किस तरह का ये प्रोडक्ट है. तो करना कुछ नहीं होता है, वैसे तो उसके ऊपर 4 से 5 ड्रॉप ही लिखी रहती है, लेकिन मेरी जो स्किन है वो थोड़ी ड्राई ज़्यादा है, तो मैंने 7 से 8 ड्रॉप ली थी और बस उसको दोनों हाथ पे फैला के और टैप कर लिया था फेस पर. और उसके बाद में मैं ये बायोटिक का ही SPF 40 का मॉइस्चराइज़र है वो मैं फेस पे लगा दूंगी. तो बस वो ज़्यादा जो है वो फेस के ऊपर मैं चीज़ें अप्लाई नहीं करती हूँ, पहले तो बिल्कुल भी नहीं करती थी, लेकिन आजकल थोड़ा सा फेस पे पिगमेंटेशन हो गया है ना तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर जो है मैंने करना स्टार्ट किया है. बजी है शाम की 4 और परी विहान दोनों के ही फ्रेंड्स आए हुए हैं और खेलते खेलते वो बहुत ज़्यादा थक भी गए थे और उनको भूख लगी थी. तो बस अभी मैं थोड़े से पॉपकॉर्न बना रही हूँ और साथ में मैं अपने लिए चाय भी बना दूंगी. तो चाय बनाते बनाते मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ. किसी ने मुझे पूछा था कि आप सारा ही काम अकेले करते हो, आपके हस्बैंड काम में हेल्प नहीं कराते हैं क्या? तो इसका मैं आपको आंसर ये दूंगी ना कि मेरे हस्बैंड जो है ना उनकी शॉप है और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है कि वो काम मतलब मेरे काम में वो हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी शॉप है वो मॉर्निंग में 10 बजे आते हैं और रात को 10:30
10-11 भी बज जाती है आते आते। और आपको पता ही है कि जब शॉप पे काम करता है ना कोई इंसान तो बहुत ज़्यादा काम होता है, और क्योंकि जब जो लोग जॉब करते हैं उनका कैसे एक टाइम फिक्स रहता है, लेकिन बिज़नेस वालों को कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, ना उनका आने का टाइम फिक्स होता है ना उनका जाने का टाइम फिक्स होता है, और काम का बर्डन ज़्यादा ही रहता है। तो फिर अब जब वो ऑलरेडी थके हुए हैं तो मैं उनको कैसे बोलूँ कि आप आके या काम कराओ या जाते हैं, तब भी कैसा मैं उनको थोड़ा लेट ही उठाती हूँ। मतलब वो उठते हैं 8:30, कई बार 9:45 भी बज जाती है, वो उठते हैं तब तक मेरा ऑलमोस्ट काम हो चुका होता है। तो फिर काम क्या बचता है कि मैं उनसे कुछ काम कराऊं। तो आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। बहुत ही सिंपल वे में ही बनाती हूँ जैसे सभी लोग बनाते हैं, लेकिन बहुत से लोग मलाई को पहले जमा देते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा कम पसंद आता है, बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं बहुत सिंपल वे में ही बनाती हूँ। तो बस आपके साथ में आज मैं वो शेयर कर रही हूँ ताकि सबको अपना आंसर जो है वो मिल जाए। तो उसके लिए सबसे ये जो मलाई है वो मतलब 10 दिन की मलाई है, और मेरे यहाँ पे बफेलो मिल्क आता है तो उसका जो मलाई है वो काफ़ी अच्छी निकलती है। तो बस वो इस तरह से ये जो कंटेनर पूरा भर जाता है तो उसके बाद मुझे पता चल जाता है कि अब मुझे मलाई का जो है वो घी बनाना है। तो मैंने मॉर्निंग में ही इसको फ्रीज से निकाल दिया था, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट फ्रीज में से निकाल के और अगर आप मलाई का घी बनाएंगे ना तो हमेशा आप देखना क्वांटिटी कम बनेगी। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मॉर्निंग में ही जैसे ही मैं उठी थी ना तो उठते में ही मैंने ये कंटेनर बाहर रख दिया था, और अब ये एकदम अच्छे से जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया है, और अब मैं इसका घी बनाऊंगी तो टाइम जो है वो कम लगता है, क्वांटिटी भी ज़्यादा बनती है। एक बार आप इसे जरूर ट्राई करना। तो सबसे पहले मलाई को मैं जमाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इस तरह से मलाई को थोड़ी थोड़ी सी मैं मिक्सर जार में लेती जाऊँगी और थोड़ा थोड़ा सा नॉर्मल जो पानी रहता है मटके का वही डालूंगी, क्योंकि अभी कैसा है बारिश हो रही है तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। यदि आप गर्मी के मौसम में बनाते हैं ना तो आपको फ्रीज का पानी डालना होता है, और यदि आप सर्दी में बनाते हैं तो कई बार आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी डालना होता है। तो बस इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी मलाई मैं लेती जाती हूँ, थोड़ा सा पानी डालती हूँ, बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और स्टार्टिंग आपको पल्स पर मिक्सर को चलाना है, यानी कि आप जैसे ही मिक्सर स्टार्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल 1-2-3 पे नहीं चला देना है, पल्स पर चलाएंगे एक बार, और फिर आप पूरा ही मतलब 3 पर जो उनकी स्पीड होती है हाई स्पीड उस पर चला देंगे तो आपकी मलाई कभी भी ख़राब नहीं होगी और बहुत ही जल्दी जो है वो मलाई बनेगी और क्वान्टिटी में भी ज़्यादा बनेगी। तो एक बार आप ये ट्रिक जो है वो ज़रूर ट्राई करें, मैं हमेशा से इसी तरीके से बनाती हूँ। मलाई बनाने के लिए मैं हमेशा इस तरह से बड़ी कढ़ाई का यूज़ करती हूँ, यानी कि साइज़ में भी बड़ी हो और थोड़ी सी चौड़ी होगी, जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी ना तो मलाई जो है वो बहुत ही जल्दी बनेगी और घी वेस्ट नहीं होता है। तो बस इस छोटी छोटी चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं ना तो मलाई जो है उसका घी बहुत जल्दी भी बनता है और क्वान्टिटी में ज़्यादा बनता है। तो बस सारी मलाई का मक्खन निकाल दिया है और अब उसको कढ़ाई में डालकर गैस चालू कर दूंगी, और अब ये नीचे का जो पानी बचा हुआ है ये बिल्कुल वेस्ट है, इसको मैं फेंक दूंगी, और बस गैस की आंच स्टार्टिंग में हम तेज रखेंगे और जब उसके अंदर उबाल आ जाएगा तो उसके बाद गैस को कम कर देंगे, और उसके बाद आपको लगातार चलाने की भी ज़रूरत नहीं है और मलाई का जो घी बनता रहेगा और आपके कोई भी एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। और अब हाथों हाथ में जो भी मलाई के बर्तन है ना वो मैं साफ़ कर दूंगी, और सबसे पहले ये जार को साफ़ करना बहुत ही मतलब बड़ा काम है, तो मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा पानी गर्म करती हूँ उसमें डाल देती हूँ और एक बार मिक्सर को चला देती हूँ ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाती है, और बस उसके बाद में बाकी के जो बचे हुए बर्तन हैं उनको भी मैं साफ़ कर दूंगी। और जब भी मैं मलाई का घी बनाती हूँ ना तो उसके बर्तन में सबसे पहले साफ़ करती हूँ, और उसके पहले सिंक में यदि कोई दूसरे बर्तन होते हैं या तो मैं उनको पहले क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद में ये मलाई के बर्तन साफ़ करती हूँ, और या फिर मतलब सारे बर्तन को मिक्स नहीं करती हूँ क्योंकि मलाई के जो बर्तन होते हैं ना वो काफ़ी चिकने होते हैं और अगर उनको मिक्स कर देंगे तो सारे ही बर्तन चिकने हो जाएंगे और इससे हमारा काम बढ़ जाता है। तो आज मेरे को मलाई बनानी थी तो मैंने पहले ही सिंक को क्लीन करके ही रखा हुआ था, यानी कि बर्तन उसमें बिल्कुल भी नहीं थे। तो बस अभी मलाई के बर्तन में साफ़ कर दूँगी ताकि काम जो है वो बाद में हल्का हो जाएगा।
बर्तन मेरे क्लीन हो गए थे और इधर दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो एक बार मैंने आके चेक भी कर लिया कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि घर के काम जो है वो पूरा दिन चलते ही रहते हैं, लेकिन बच्चों का खाना पीना और उनका पढ़ाना ये सबसे पहले ज़रूरी होता है, क्योंकि इनमें मैं डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। और बच्चों का इवनिंग में रोज़ 8 बजे पढ़ने का टाइम है, तो वो उनको मैं पढ़ाती ही पढ़ाती हूँ, चाहे मुझे टाइम मिले या ना मिले, तो लेकिन पढ़ाने के लिए मैं टाइम निकालती हूँ। और बस अब ये जो करेले और कुछ सब्ज़ी मैं लेके आई थी उनको मैंने धो के रख दिया था, और करेले की सब्ज़ी जो है वो मैं कल मॉर्निंग में बनाऊंगी, लेकिन इसको धो के मैंने रख दिया ताकि मैं उनको जो है चॉप करके अभी ही रख दूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं रहता है। और बस जब तक मेरा मलाई का घी भी बन गया था, और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्वांटिटी में घी बना है, यानी कि वो एक पूरा जो डिब्बा था वो पूरा भरकर मलाई थी और थोड़ा सा मलाई और थी, तो उसका कम से कम आधा किलो से ऊपर घी बना है, और घी जो है उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है, और बहुत जल्दी मतलब 15 से 20 मिनट में घी जो है वो बनकर तैयार हो गया था। तो है ना, बहुत ही आसान सी और अच्छी ट्रिक, एक बार आप ये ज़रूर ट्राई करना, और आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। तो बस घर के मेरे ऑलमोस्ट काम हो गए थे, क्योंकि आज की जो मैंने क्लिप्स थी ना, मतलब मैंने पूरा ही रूटीन आपके साथ शेयर करी थी मॉर्निंग से लेकर रात तक की, और अभी बज रही है रात की 10, और बच्चे जो है वो सो गए हैं, और जो जेंट्स साहब है वो खाना खा रहे थे पास में ही, और मैं बैठी बैठी टीवी चल रही थी ना, तो टीवी देखते देखते मेरे को मॉर्निंग में जो सब्ज़ी बनानी होती है ना उसको मैं रात को ही साफ करके रख लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारे काम एक साथ में करने होते हैं, और मॉर्निंग में फिर इतना टाइम नहीं मिलता है कि इस तरह की सब्जियों को हम साफ़ कर लें। तो बस करेले में बनाऊंगी तो उनको मैं छिलकर और चॉप करके रख दूंगी, और इस ये हरी मिर्ची जो है वो भी मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आई थी, तो उसको भी मैंने धो दिया था अच्छे से, वो ड्राई हो गई थी, तो उसके भी जो डंठल है वो तोड़ के रख दूंगी, और इससे मिर्ची जो है वो लंबे टाइम तक एकदम फ्रेश बनी रहती है। तो बस इसके साथ में मैं अपने आज के वीडियो का एंड भी करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी तब आप बेल बटन को क्लिक करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। मैंने आगे पहले भी वीडियोस में आपको बताया है, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो बहुत से वीडियोज़ अच्छे अच्छे आएंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊँ कि जो मेरा सेकंड चैनल है कुकिंग चैनल, उसको भी आप देखें, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी मैं उसके ऊपर डाल रही हूँ और आगे आने वाले दिनों में भी डालती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड Take care.